छठ पूजा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। छठ मैया को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन माना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय खुद को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। प्रकृति को छह भागों में बांट दिया गया था, जिनमें से छठा भाग छठी मैया थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को छठी मैया के पति के रूप में बताया गया है। राजा प्रियंवत को संतान नहीं थी। उनकी पत्नी मालिनी इस बात से बहुत दुखी थी। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुंचे और वे अपने मन की व्यथा बताए। तब उन्होंने राजा प्रियंवत को पुत्र सुख पाने के लिए एक यज्ञ करने को कहा। यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा गया। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने का आदेश दिया, ताकि लोग पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ साथ जीवन में सुख संपत्ति और धन धान्य की प्राप्ति कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। छठी मैया आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।